बिहार में बीजेपी के साथ सरकार में शामिल होने के बाद अभी तक सीएम नीतीश कुमार ने कैबिनेट विस्तार नहीं किया है। अभी भी बिहार में मुख्यमंत्री के अलावा वही 8 मंत्री हैं जिन्होंने सरकार गठन के दिन शपथ ली थी। इन मंत्रियों के पास भी अभी कोई विभाग नहीं है। सभी विभाग तकनीकी रूप से अभी सीएम नीतीश कुमार के ही पास हैं। दूसरी ओर बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 10 फरवरी से शुरू होने वाला है, तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर एनडीए सरकार कैबिनेट के विस्तार और मंत्रियों को विभाग बंटवारे में देरी क्यों कर रही है। इस चर्चा का जवाब भी चर्चाओं में ही है कि सरकार में शामिल भाजपा और जेडीयू के बीच अभी तक विभागों के बंटवारे पर सहमति नहीं हुई है। दरअसल सीएम के रूप में नीतीश कुमार ने कभी भी गृह विभाग का जिम्मा किसी भी दूसरे मंत्री को नहीं दिया है। इस मंत्रालय को सीएम नीतीश ने ना जेडीयू के किसी मंत्री को दिया है और ना ही अपने किसी सहयोगी दल को। लेकिन इस बार चर्चा ये चल रही है कि ये विभाग भाजपा ले सकती है और डिप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी इसकी कमान संभालेंगे। हालांकि ये अभी तक तय नहीं है और गृह विभाग किसे मिलेगा इसकी आधिकारिक पुष्टि होनी अभी बाकी है। बिहार में नीतीश कुमार का कार्यकाल शुरू होने के बाद वित्त मंत्रालय का कार्यभार अधिकतर समय तक सहयोगी दलों के पास रहा है। शुरुआत में एनडीए की सरकार थी तो वित्त मंत्रालय का कार्यभार सुशील मोदी के पास था। उसके बाद 2013 में जब नीतीश ने भाजपा से नाता तोड़ा तो कुछ वक्त के लिए ये जिम्मेदारी जेडीयू के विजेंद्र प्रसाद यादव के पास गई। महागठबंधन की सरकार 2015 में बनी तो ये विभाग राजद के अब्दुल बारी सिद्दीकी को मिला। इसके बाद 2017 में फिर से एनडीए की सरकार बनी तो वित्त मंत्री सुशील मोदी बन गए। 2020 में एनडीए की फिर सरकार बनी तो वित्त मंत्री भाजपा के तारकिशोर प्रसाद बने। लेकिन 2022 में महागठबंधन की सरकार में ये विभाग जेडीयू के विजय कुमार चौधरी को मिल गया। इस बार चर्चा ये है कि इस विभाग को भाजपा वापस लेना चाहती है। 2005 से नीतीश सरकार के गठन के बाद अभी तक 9 शिक्षा मंत्री बने हैं। इनमें 6 शिक्षा मंत्री जेडीयू के रहे हैं। अशोक चौधरी कांग्रेस में रहते हुए शिक्षा मंत्री बने थे जो अब जेडीयू में ही हैं। नीतीश सरकार में राजद को पहली बार 2022 में शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार दिया गया। अगस्त 2022 से महागठबंधन की सरकार रहने तक 2 शिक्षा मंत्री रहे और दोनों राजद से ही थे। पहले डॉक्टर चंद्रशेखर यादव थे और उसके बाद आलोक कुमार मेहता। चूंकि अब बिहार में नई सरकार का आगमन हो चुका है लेकिन इस नई सरकार में भी जेडीयू के पुराने मंत्रियों के विभागों में बदलाव की कम ही संभावना है, तो ऐसी स्थिति में शिक्षा विभाग पहली बार भाजपा को मिल सकता है। हालांकि अभी क्या होगा और क्या नहीं, किसे कौन सा विभाग मिलेगा, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है, होना अभी बाकी है। नीतीश कुमार जेडीयू, गृह, सामान्य प्रशासन, कैबिनेट सचिवालय, चुनाव, विजिलेंस, तेजस्वी यादव राजद, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सड़क निर्माण, आवास एवं शहरी विकास, ग्रामीण कार्य, पर्यटन, तेज प्रताप यादव राजद, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, शमीम अहमद राजद, कानून, चंद्रशेखर यादव राजद, गन्ना उद्योग, ललित कुमार यादव राजद, लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण, राजस्व एवं भूमि सुधार, कुमार सर्वजीत राजद, कृषि, अनिता देवी राजद, बीसी एवं ईबीसी कल्याण, सुरेंद्र प्रसाद यादव राजद, सहकारिता, जितेंद्र कुमार राय राजद, कला संस्कृति विभाग, खेल विभाग, रामानंद यादव राजद, खान एवं भूतत्व, मोहम्मद शहनवाज आलम राजद, आपदा प्रबंधन, मोहम्मद इसराइल मंसूरी राजद, आईटी, समीर कुमार महासेठ राजद, उद्योग विभाग, विजय कुमार चौधरी जेडीयू, वित्त, वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य, विजेंद्र प्रसाद यादव जेडीयू, ऊर्जा, योजना एवं विकास, अशोक चौधरी जेडीयू, भवन निर्माण, शीला कुमारी जेडीयू, परिवहन, श्रवण कुमार जेडीयू, ग्रामीण विकास, संजय कुमार झा जेडीयू, जल संसाधन एवं सूचना जनसंपर्क, लेशी सिंह जेडीयू, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, मोहम्मद जमा खान जेडीयू, अल्पसंख्यक कल्याण, जयंत राज कुशवाहा जेडीयू, लघु जल संसाधन, मदन सहनी जेडीयू, समाज कल्याण, सुनील कुमार जेडीयू, मद्य निषेध एवं उत्पाद,
रत्नेश सादा जेडीयू एससी एसटी कल्याण, मोहम्मद आफाक आलम कांग्रेस पशुपालन एवं मत्स्य पालन, मुरारी प्रसाद गौतम कांग्रेस पंचायती राज, सुमित कुमार सिंह निर्दलीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। फिलहाल वीडियो में इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए इनसाइडर लाइव।